दोस्तों सबसे पहले तो छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो देखिए हमारी मोहतरमा पूजा जैसन जी जा रहे हैं छठ पूजा का प्रसाद लेने के लिए, सामान सब लेने के लिए। तो थोड़ा मोड़ा सामान सब लेना है तो बाजार जा रहे हैं। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो ब्लॉग पर बने रहिए, आगे बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों इनके पास फिलहाल कुछ भी नहीं था पहनने के लिए, तो लाठी से शुरुआत कर रही है। यहाँ से लाठी सबसे पहले लेंगे हम लोग, उसके बाद निकलेंगे। तो इधर देखिए पूजा जी ने पसंद कर लिया लाठी और उसे पैक करने के लिए बोली है, तो पैक हो रहा है इनका लाठी। दुकान का व्यू देख लीजिए कितना सुंदर व्यू है। ये मार्केट के बीचों बीच है, चूड़ी बाज़ार में स्थित। इधर देखिए हम लोग फल फूल ले चुके हैं क्योंकि बाज़ार में इतना भीड़ था जो हम वीडियो नहीं बना पाए। एक आदमी के स्पेस इतना जगह भी नहीं था तो फल फूल वाला वीडियो नहीं बना पाए। तो रास्ते में देखिए ये इनका कुछ सामान लेना था तो उधर पहला दुकान वाला से नहीं लिए, अब ये दूसरे दुकान वाले के पास आए। तो यहाँ देखिए सुंदर सुंदर हार है, कितना अच्छा हार लग रहा है। तो ये पसंद आया है पूजा जी को और ये लेंगी ये वाला हार, इनको दिला देते हैं। और उसके साथ कुछ और सामान सब लेना था। तो इधर देखिए भैया निकाल चुके हैं और उसका सबका दाम जोड़ रहे हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। अरे वो के दाम कम कर दिए, 15 रुपया और 25 रुपये। तो पूरे 2.5 घंटे के बाद हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों देखिए बाज़ार में फल फूल ख़रीदने का ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, उम्मीद से ज़्यादा भीड़ था। तो मोबाइल निकालना भी वहाँ असंभव था। तब तो घर ले आए हैं, सबको धो धा के टाइम हो गया है छठ का, तो सबको धो धा के उसके बाद फिर से ले जाया जाएगा। ये टाम नेमू है दोस्तों, इसे टाम नेमू बोलते हैं, बड़ा वाला नींबू भी बोल सकते हैं इसको। तो ये भी चढ़ता है छठ मैया को। इधर देखिए धो के ले आए हैं, घर में है तो सबको। इधर देखिए और जो जो जैसे जैसे सामान है उसे उसे धो धो के सबको रखे जा रही है पूजा जी। इधर देखिए सहते जा रही है, उधर से धो रही है, इधर से सहते जा रही है। इधर देखिए क्या है इसमें, मौसमी है और सेब है, इसको धो के फिर रखा जाएगा। इधर देखिए जा रही है पूजा जी रखने के लिए, अब लास्ट है लगता है। हाँ लास्ट ही है, पूरा हो गया है। एक चीज़ रह गया था दोस्तों और वो है नारियल। तो देख लीजिए आप लोग नारियल को भी धो ले और पूजा जी ये आराम से बढ़िया से धो के और लेके जा रही है, नारियल को भी लगा देगी। एक ही चीज़ बचा हुआ था उसमें। तो अभी देखिए हमारा जो कोनिया है और सुपा, एक चीज़ और बचा हुआ था, हल्दी और ये सिंघारा। और ये इधर देखिए पूरा ओके हो चुका है, हमारा कोनिया भी सुपा भी पूरा भर गया है। तो इसमें पिठार लगाया जा रहा है, जो फॉर्मेलिटी होता है वो फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है। इसमें पिठार लगा के अब लास्ट का, अब इसके बाद सीधे जाएगा ये छठ घाट पे। देखिए दोस्तों सारा चीज़ हो गया है तैयार, अब हम लोग घाट पर जाने के लिए निकल रहे हैं। देखिए टाइम हो गया है, तो दोस्तों निकल रहा है अब घाट की ओर। तो ब्लॉग में बने रहिए, घाट का भी सीन दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए दोस्तों तो घाट पे जाने की तैयारी जोरों से लीजिए इधर। तो चलिए अगला सीन घाट का। तो इधर देखिए घाट से 100 मीटर पहले ये सूर्य भगवान का मूर्ति बहुत अच्छे से बैठाया गया है, उसका पूजा अर्चना किया जाएगा आज के दिन। तो इसी के बगल से होकर रास्ता जाता है घाट की ओर। तो देखिए चल दिए हम लोग घाट की ओर, ये पूजा जी लगभग पहुंच चुके हैं। तो आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा दूरी है, ये देखिए और ये पहुंच गए हैं घाट के पास, अब लगभग पहुंच ही गए। इधर देखिए अपना घाट आ गया है। तो हम तो सारा चीज़ लेके यहाँ पहले पहुँचा दिए थे, अर्घ का जो सामान होता है। तो पूजा जी पीछे से आई है और हम भी आए हैं फिर से बच्चे लोग को ले कर। तो देखिए ब्लॉग में बने रहिए, कितना अच्छा नज़ारा है, कितना सुंदर है। इधर देखिए अर्घ का टाइम हो गया है, सभी अर्घ दे रहे हैं और इधर बहुत सारे लोग हैं जो पानी में हैं, बहुत सारे अभी ऊपर हैं। तो बहुत सारे लोगों का छठ नहीं होता, जैसे हमारा भी नहीं होता था। तो फिर भी हम वैसे ही छठ मैया को कुछ मांगे हैं छठ मैया से, तो इसीलिए प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अगली बार से पूरा नियम निष्ठा से करेंगे, इस बार सहे भी नहीं थे
तो दूसरे के हाथ से इसको चढ़वाएंगे प्रसाद को। तो ब्लॉग में बने रहिए आप लोग, इसके यहाँ का व्यू देख लीजिए, घाट का कितना अच्छा व्यू है और ऐसा लगता है जैसे वाव वाव वाला मोमेंट है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत एकदम लग रहा है कि हाँ छठ है। तो हमारे गांव का छठ कुछ ऐसा ही होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा प्यारा सा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब तक, और ब्लॉग देखते रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए आप लोग, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो देखिए इधर लगभग हो चुका है, अब हम ये जो अर्घ का सामान है उसको लेके अब जा रहे हैं घर की ओर। तो दो बार में ले जाना पड़ता है, तो ये पहला बार। तो देखिए दोस्तों, घाट पर से आ चुके हैं, सारा जितना भी अर्घ प्रसाद है सारा यहाँ रखा चुका है, अब सुबह में निकलेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, सुबह का अलग से ब्लॉग आएगा तो देखना नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।